हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी हम आपको 3 BHK का फ्लैट दिखाने के लिए आए जो कि आपका ब्योर मोड़ के पास है। विष्णुपुरी मोहल्ला बोलते हैं क्योंकि फुल्ली बसावट के साथ है। सबसे पहले आपको हम इधर का एरिया दिखा रहे हैं, एकदम 100% रेसिडेंशियल एरिया में। जस्ट ये बगल में आपका चितकोहरा मार्केट हो गया। ये देखिए, ये जो गर्दनी बाग में जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बन रही है, ये आपका ये हो गया अनिसाबाद गोलंबर। यहां से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है और एयरपोर्ट आपका 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे। ये देखिए आपका एयरपोर्ट का आपका दिख रहा है। पटना जंक्शन यहां से मात्र 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे। चितकोहरा मार्केट 200 मीटर का डिस्टेंस पे है। अब बाईपास से मात्र 50 मीटर का डिस्टेंस पे है। 3 BHK का फ्लैट है जो कि 1225 स्क्वायर फीट में बना हुआ, 2 ब्लॉक का सोसाइटी है, B+G+6 का बेसमेंट और ग्राउंड पार्किंग का एरिया है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का लास्ट तक बने रहें ताकि आपको फ्लैट की पूरी जानकारी मिल सके। ये देखिए, ये आपका मेन एंट्रेंस गेट का एरिया हो गया और यहां से ये ड्रॉइंग हॉल का स्पेस है। ड्रॉइंग हॉल के स्पेस की बात कीजिएगा तो ये 16x14 का है, 16 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा आपका ड्रॉइंग हॉल का एरिया है। अब बिल्कुल देखिए, बहुत ही बड़ा स्पेशियस ड्राइंग हॉल का एरिया है। देख रहे हैं, ये ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया और ये डाइनिंग हॉल का एरिया है। नौ बाई आठ का डाइनिंग हॉल का स्पेस हो गया आपका। और ये देखिए, इसके साथ अटैच आपका एक बालकोनी का एरिया हो गया। ये आपका बालकोनी का एरिया हो गया। बिल्डिंग के चारों तरफ 15 फीट का ड्राइववे छोड़ा हुआ है जो कि आपका लास्ट में वीडियो का लास्ट में आपको पार्किंग का एरिया दिखाएंगे। और ये देखिए, ये आपका किचन का एरिया हो गया। अप्रोक्सीमेट 8x10 का आपका किचन का एरिया हो गया। ये देखिए, आठ बाय दस का किचन का एरिया है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये फिनिशिंग हो रही है, फाइनल का स्टेज पे, 2 महीनों में बन के कंप्लीट हो जाएगा फ्लैट ये आपको। और ये देखिए, इसके साथ ये मास्टर बेडरूम हो गया। इस रूम की साइज की बात करेंगे तो 12x13, 12 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा, यानी कि आपका रूम है बिल्कुल ही स्क्वायर में। ये आपका बेडरूम हो गया। ये देखिए, ये बेडरूम का एरिया हो गया। यहाँ पे आपका विंडो हो गया और इस बेडरूम के साथ अटैच एक टॉयलेट का एरिया है। ये देखिए, दस बाई पांच का ये टॉयलेट का एरिया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ही स्पेशियस है। आपका कम्बोर्ड का उधर से जगह है, यहाँ वॉटरिंग का, और यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। और ये देखिए, ये आपका कॉमन टॉयलेट का एरिया हो गया। फिनिशिंग का वर्क चल रही है, सीट बैठ चुका है, टाइल्स वाइल्स इसमें लगना बाकी है। और ये देखिए, ये आपका दूसरा बेडरूम हो गया। यहाँ पे विंडो का एरिया हो गया। अप्रोक्सीमेट 12x10 का ये रूम हो गया आपका। और ये आपका तीसरा बेडरूम हो गया। बारह बाई 10.5 फीट का ये रूम आपका हो गया।
इसमें ये देखिए अनबीरा के लिए भी जगह छोड़ा हुआ है और एक बालकोनी है, तो बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन पे है। यहाँ से अगर हम जू पटना जू की बात करेंगे तो 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, मुख्यमंत्री आवास 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, पटना एयरपोर्ट 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, अनिसाबाद गोलंबर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, पटना जंक्शन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, नया पटना टोपी 4 लेन निकल रहा है जो कि आपके यहाँ से 500 मीटर का डिस्टेंस पे है। तो बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन में फ्लैट है। तो आपने फ्लैट को देखा, अभी हम आपको पार्किंग का एरिया दिखाने जा रहे हैं। तो जिनको भी ये फ्लैट परचेज करना, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पर एक बार कॉल कीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पार्किंग की पूरी जानकारी मिल सके। ये देखिए ये प्रोजेक्ट का फ्रंट व्यू है, आप देख रहे हैं ये फ्रंट से है, ए ब्लॉक है, सामने में देख रहे हैं पूरा कंप्लीट है। एक से छह तक रेसिडेंशियल है और ये ग्राउंड फ्लोर पार्किंग है और बेसमेंट पार्किंग है। अभी हम आपको दिखाएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहें सारा चीजें। यहाँ पे मेन एंट्रेंस गेट होगा, ये जो आपका एरिया सामने में दिख रहा है फंक्शन एरिया है, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क बन जाएगा। थोड़ा सा एरिया आप देख रहे हैं, जस्ट इस लोकेशन में आपका मंदिर होगा और ये देखिए सामने में बेसमेंट जाने के लिए आपका बना हुआ है। बिल्डिंग के चारों तरफ 15 फीट का छोड़ा हुआ है, ड्राइववे छोड़ा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ 15 फीट का ड्राइववे छोड़ा हुआ है। ये देखिए ये पूरा का पूरा एरिया आपका ए ब्लॉक का पार्किंग का एरिया हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर पार्किंग है प्लस बेसमेंट, दो फ्लोर में पार्किंग है आपका, देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सीढ़ी का एरिया हो गया, एक सीढ़ी आपका इस लोकेशन में है, ये मेन सीढ़ी आपका यहाँ पे है, ये लिफ्ट का एरिया हो गया। और ये दूसरा लिफ्ट का एरिया है और ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ये ए ब्लॉक का पार्किंग का एरिया है, यानी कि एक फ्लोर पे टोटल 44 फ्लैट है। देख रहे हैं ये सारा एरिया जो है आपका पार्किंग का एरिया है। तो पार्किंग जो कि आपका दो फ्लोर में पार्किंग है, पार्किंग का स्पेस बहुत बड़ा मिलने जा रहा है जो आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में। और ये जस्ट बगल में बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक बन रहा है जो कि चौथा फ्लोर डला चुका है, थर्ड फ्लोर तक ब्रिक वर्क हो चुका है। तो जिनको अंदर कंस्ट्रक्शन में फ्लैट लेना है वो परचेज कर सकते हैं, साल भर में ये बनकर आपको कंप्लीट हो जाएगा फ्लैट। दोनों ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस ये देखिए 40 फीट का डिस्टेंस है आपका और यहाँ पे बेसमेंट में जाने के लिए बना हुआ है। ये ए ब्लॉक का बैक साइड का व्यू है, और ये देखिए बी ब्लॉक का पार्किंग है। दो लिफ्ट, दो सीढ़ी बी ब्लॉक में भी है। ये देखिए एक सीढ़ी यहां पे हो गया, एक सीढ़ी वहां पे हो गया और एक लिफ्ट और दूसरा लिफ्ट का जगह ये है। ये पूरा पार्किंग का एरिया है, बेसमेंट और ग्राउंड दोनों फ्लोर पार्किंग है। 15 फीट चारों तरफ ड्राइव है और ये देखिए जस्ट बाईपास, एक फ्लोर पीछे बाईपास आपका आ जा रही है, यानी आप बाईपास के बिल्कुल करीब है। सामने में आपको गाड़ी आते जाते दिख रही होगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा प्लॉट और फ्लैट का वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे एक बार कॉल कीजिए, साइट विजिट कीजिए। थैंक यू।